मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक थिएटर को दिखाया जाता है जहाँ एक पपिट शो चल रहा था। कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है और वह अपना काम कर रहे थे, तभी डोर की बेल बजती है और जब जिमी जाकर बाहर देखता है तो उसे एक बड़ा बॉक्स दिखता है और जिमी उस बॉक्स को अंदर ले आता है और जब वह उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक डॉल निकलती है, एक ऐसा डॉल जो कि इंसान की तरह लगता है और ऐसा लगता है वह बोल रहा है पर असल में वह इंसान बोलता है। इसलिए उस शो को देखने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि वह डॉल बोल रही है। और जब जिमी की वाइफ उस पपी को देखती है तो वह भी काफी खुश हो जाती है और जिमी बाहर खाना लेने के लिए जाता है और जिमी की वाइफ घर पर अकेली थी और वह उस पपेट को बेड पर बैठा देती है, लेकिन वह पपेट नहीं बैठ पा रहा था तो जिमी की वाइफ उसको बेड पर लेटा देती है और अलमारी में कपड़े देखने लग जाती है। पर जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पपेट का मुंह उसकी तरफ था, क्योंकि जब उसने उस पपेट को बेड पर लेटाया था तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। लेकिन जिमी की वाइफ इस बात को सीरियस नहीं लेती और एक सफेद कलर की चादर उस पपेट के ऊपर डालकर वहां से चले जाती है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाती है और अचानक से उसे एहसास होता है कि कमरे में पपेट के अलावा भी और कोई आदमी भी मौजूद है और अचानक रेडियो में से अजीब अजीब आवाज आने लगती है और वहाँ रखे सभी चीजों की आवाज अचानक से बंद हो जाती है, जिससे जिमी की वाइफ को भी काफी अजीब लग रहा था। और तभी अचानक जिमी की वाइफ को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है और जब वह उस कमरे में जाती है जहाँ उसने वह पपेट रखा हुआ था और जैसे ही वह उसका कपड़ा हटाती है वह सफेद चादर उसके ऊपर गिर जाती है। तभी देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति जिमी की वाइफ को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे जिमी की वाइफ भी काफी डर जाती है और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है। और तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और उसको कोई अनजान शक्ति उस कमरे में खींच लेती है और पूरे कमरे में जिमी की वाइफ की चीख गूंजने लगती है। और जिमी भी घर का सामान लेकर वापिस आ गया था और वह अपनी वाइफ को आवाज लगाता है और फिर जिमी की वाइफ उसे बताती है कि वह अंदर कमरे में है। और जब जिमी कमरे के पास जाने लगता है तो वह देखता है कि फ्लोर पर हर जगह खून था और वह फिर से अपनी वाइफ को आवाज लगाता है कि तुम कहाँ हो, और फिर से जिमी की वाइफ की आवाज आती है कि वह कमरे में है। और जब जिमी कमरे का गेट खोलकर देखता है तो वहाँ बेड एक सफेद चादर रखी हुई थी और जब वह चादर हटाता है तो वहाँ उसकी वाइफ की लाश मौजूद थी जिसकी जुबान कटी हुई थी। जिमी भी पुलिस को बुला लेता है पर पुलिस वाले जिमी को ही दोषी मानते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिमी ने ही उसकी वाइफ का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस को भी जिमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण पुलिस जिमी को छोड़ देती है। और वह अपनी वाइफ की इस खतरनाक मौत से काफी परेशान था और इसलिए वह अपने घर आकर उस कमरे की छानबीन करने लगता है जहां वह पपेट था। और तभी उसे एक अनजान नाम लिखा हुआ दिखता है जिसका नाम था मैरी शो, और इस बारे में पता करने के लिए वह अपने माता पिता के घर जाता है। और जब वह अपने घर पहुंचता है तो वहाँ एक खूबसूरत लेडी दरवाजा खोलती है जो कि जिमी को बताती है कि वह उसके पापा की दूसरी वाइफ है। जिमी को भी यह काफी अजीब लगता है क्योंकि जिमी को भी यह बात नहीं पता थी, क्योंकि असल में वह कभी उनसे बात ही नहीं करता था। पर जब अंदर जाकर जिमी अपने डैड को देखता है तो वह व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और इस बारे में जिमी को कुछ नहीं पता था। और उसके डैड उसको बताते हैं कि कुछ टाइम पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जिमी भी अपने डैड से उस मैरी शो के बारे में पूछता है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि यह तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब रात को जिमी अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक वह पपेट जिमी के कमरे में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें हिल रही थी जिससे जिमी भी काफी बुरी तरह डर जाता है। और अगले दिन जिमी अपनी वाइफ का फ्यूनरल कर रहा होता है तभी वहाँ एक औरत को देखता है और जिमी उसके जाने लगता है और वह औरत अचानक उसके सामने आ जाती है और वह उसको बताती है कि तुम्हारी वाइफ को मैरी शो ने मार दिया। और वह औरत जिमी को उस पपेट का मारने का तरीका बताती है, जो तुम्हें मैरी शो की आत्मा परेशान करती है तुम्हें उसकी बॉडी के साथ उस पपेट को दफनाना होगा। और तभी वहाँ उस औरत का हस्बैंड आ जाता है जो कि इस कब्रिस्तान में काम किया करता था, और जिमी भी उस पपेट को अपने घर से उठाता है और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है जहाँ वह कब्र देखता है जिस पर बिली नाम लिखा हुआ था। और वह उस कब्र को खोदने लगता है और उस पपेट को वहाँ दफन कर देता है। और जब वह वापस जाने लगता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और जिमी गाड़ी से उतरकर बाहर देखता है और वहाँ कोई भी नहीं था और जिपिट को दफनाकर अपने घर आ जाता है। और वह जब नहाकर
लेकर अपने कमरे में आता है तो उसे वह पपेट अपने कमरे में बैठा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। तभी हमें वहाँ एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि इस पपेट को वही उस कवर से निकाल के लाया है। और वह डिटेक्टिव बताता है कि यह पपेट हमें जिमी की वाइफ की मौत के बारे में पता लगाने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी वाइफ का खून हुआ था तो केवल यही पपेट उसकी लाश के पास मिला था। और वह उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों दफनाया, और जिमी उसे बताता है कि मैंने सुना है कि यह मैरी शो का पपेट है, जब तक इस पपेट को मैरी की बॉडी के साथ नहीं दफनाया जाएगा तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, और जब भी वह आत्मा किसी को नजर आती है तो वह डर से चिल्लाता है, जिससे वह आत्मा उसे मार देती है और उसकी जीभ काट देती है। और जिस दिन मेरी वाइफ का खून हुआ उस दिन कोई अनजान शख्स ने इस पपेट को हमारे दरवाजे पर रख दिया था, पर अब आपको भी पता चल गया होगा कि मैरी शो का यह पपेट कितना खतरनाक है। और वह जासूस उस पपेट को अपने साथ ले जाता है, लेकिन फिर भी जिमी उस पपेट को उस डिटेक्टिव से ले आता है और उसे दफनाने कब्रिस्तान चला जाता है। और उसे वहाँ वह औरत भी मिल जाती है जो उसे उस पपेट को मारने का तरीका बताती है, और तभी वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड आ जाता है। और अब वह भी जिमी को सारी बात बताने लगता है कि कई सालों पहले उनके शहर में एक शानदार थिएटर खोला गया था जहाँ मैरी शो नाम की एक औरत पपेट शो किया करती थी। और एक दिन जब मैरी शो पपेट शो कर रही थी तो एक बच्चे ने मैरी पर इल्जाम लगाया कि वह पपेट खुद नहीं बोलता, वह मैरी शो बोलती है, और उसे बताता है कि तुम्हारा यह पपेट नकली है, जिसके कारण मैरी शो को उस लड़के पर काफी गुस्सा आता है। और कुछ दिनों बाद वह बच्चा शहर से लापता हो गया और वह कहीं पर भी नहीं मिला, और शहर के लोग समझे कि उस बच्चे को मैरी शो ने ही मार दिया, जिस कारण उस बच्चे की फैमिली ने मैरी शो को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह मार दिया। पर मैरी शो की यह आखिरी इच्छा थी कि उसके पपेट को उसकी लाश के साथ दफनाया जाए, और वह उसको यह भी बताता है कि मैरी शो खुद भी एक पपेट बनना चाहती थी। और यह सारी कहानी सुनने के बाद जिमी वहाँ से चले जाता है और उस पपेट को वहीं पर ही छोड़ जाता है। और कुछ देर के बाद उस बूढ़े आदमी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जहाँ वह देखता है कि उसकी वाइफ उस पपेट से बात कर रही होती है। और वह अपनी वाइफ के पास आता है और उस पपेट को अपने साथ ले जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि मैं इसको इसकी जगह छोड़ने जा रहा हूँ। जब वह आदमी उस पपेट को दफनाने जा रहा होता है, वह नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ उसका पपेट पहले से ही इंतजार कर रहा होता है, और वह पपेट उस आदमी की तरफ देख रहा होता है। और कुछ देर बाद मैरी शो की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे वह आदमी भी काफी डर जाता है और तेज की चिल्लाता है। और मैरी शो की आत्मा उस आदमी की जुबान खींचकर उसको मार देती है। और दूसरी तरफ जिमी उस थिएटर में पहुंच जाता है जहां कई सालों पहले मैरी शो का शो हुआ करता था। जिमी भी देखता है कि वह पूरी जगह एक खंडर बन चुकी थी, और जहां जिमी को एक बात पता चलती है कि जिस बच्चे ने मैरी शो पर वह आरोप लगाया था वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जिमी के दादाजी थे। और यह सारी बातें जानने के बाद जिमी अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर सच क्या है, जिस पर उसका डैड उसे बताता है कि जब तुम्हारे दादा ने मैरी शो पर आरोप लगाया तो उसके बाद तुम्हारे दादा कहीं मिसिंग हो गए, जिसके कारण हमारी फैमिली ने मैरी शो को पकड़ लिया और उसकी जुबान काट के उसको बड़े भयानक तरीके से मार दिया, और इसके बाद उसकी आत्मा वापस आई और हमारी सारी फैमिली वालों को मार दिया, और वह साथ साथ उनकी जुबान भी काट देती थी, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया जिससे कि तुम इस शराब से बच सको। और जब उसने तुम्हारी वाइफ को मारा तो मैं समझ गया कि इस शराब से कोई नहीं बच सकता, जिस पर जिमी अपने डैड से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वह अपने डैड के घर से जाने लगता है। तभी वहाँ वह डिटेक्टिव आ जाता है जो उसे बताता है कि मैरी शो के साथ जितने भी पपेट को दफनाया गया था वह सभी बाहर निकाल दिए गए हैं, और उसे जासूस को जिमी पर ही शक होता है। अब वह उसे पकड़ने आया था, और जब वह उसको अपने साथ ले जाने लगता है तभी उसकी मॉम उसको फोन पकड़ा देती है और बताती है कि तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है, और वह कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी होता है जो मारा गया था, पर वह अभी भी जिंदा था। और वह जिमी को बताता है कि अगर तुम पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो कि तुमने अपनी वाइफ का खून नहीं किया तो तुम्हें वापस उसी थिएटर में जाना होगा जहां मैरी शो का शो हुआ करता था। और जब जिमी जल्दी से वहां जाता है जहां वह जासूस भी उसके पीछे जाने लगता है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उन दोनों का एहसास होता है कि उनके अलावा भी यहां कोई और मौजूद है, और वह अंदर जाकर देखते हैं जहां मैरी शो के सारे पपेट थे जिन्हें कब्रिस्तान से वापस निकाल लिया गया था। और तभी जिमी अपने दादाजी को देख लेता है जिसको मैरी शो ने पपेट बना दिया था।
तभी वहाँ जिमी को एक कुर्सी की आवाज आती है और वह देखता है कि उस कुर्सी पर बहुत बड़ा पपेट बैठा हुआ था जिसमें और कोई नहीं बल्कि मैरी शो की आत्मा थी। तभी जिमी मैरी शो से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा, जिस पर मैरी शो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली थी और इसलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करना चाहती हूँ। और वह डिटेक्टिव उस पर शॉटगन से फायर कर देता है और अचानक से वह पपेट गायब हो जाता है और वहाँ रखे सभी पपेट में जान आ जाती है और जासूस भी सभी पपेट पर गन से फायर करने लगता है और जिमी अपने लालटेन से उन सारे पपेट में आग लगा देता है जिससे वह सारे पपेट जलकर खत्म हो गए और अब वह दोनों उस थिएटर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और इतने में उस डिटेक्टिव का पांव वहां से फिसल जाता है और गलती से वह चिल्ला देता है और तभी वहां मैरी शो की आत्मा आ जाती है और उसको मार देती है और जिमी भी वहां से बचकर जाने लगता है। तभी जिमी को पता चलता है कि अभी तक सारे पपेट नहीं मारे गए हैं, एक पपेट बच गया है जो कि उस बूढ़े आदमी के घर पर है। और फिर जिमी उस बूढ़े आदमी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी की तो मौत हो गई है और वह औरत उसे बताती है कि जिस पपेट के बारे में तुम बात कर रहे हो उस पपेट को तो तुम्हारे डैड ले गए। और यह बात सुनकर जिमी भी हैरान हो जाता है कि मेरे डैड यहाँ कैसे आ सकते हैं, वह ठीक तरह से चल भी नहीं पाते। फिर जिमी अपने डैड के घर वापिस आ जाता है और वह देखता है कि वहाँ हर तरफ अंधेरा था। और तभी मैरी शो का उसे वह आखिरी पपेट भी मिल जाता है और जिमी उसे उठा लेता है और तभी मैरी शो की आत्मा वहाँ आ जाती है जो कि एक पपेट के रूप में थी और वह जिमी के ऊपर हमला कर देती है और जिमी उस पपेट को आग में फेंक देता है और अचानक से वह आत्मा गायब हो जाती है। और जिमी अपने डैड के पास जाता है जहाँ उसे उनकी लाश मिलती है और तभी पता चलता है कि उसके स्टेप मॉम ने जिमी के डैड को बहुत पहले ही मार दिया था। वह तो उसकी डैड की लाश थी और जो उसके डैड बोलते थे वह असल में उसकी स्टेप मॉम ही बोलती थी। उसके डैड के केवल होठ हिलते थे जहाँ जिमी को सब कुछ समझ आ जाता है कि जब उसकी स्टेप मॉम ने जिमी को फोन दिया था तो फोन पर कोई था ही नहीं बल्कि वह बिना होठ हिलाए खुद ही उस आदमी की आवाज निकाल रही थी जैसे उसने जिमी के डैड की आवाज निकाली थी। और तभी पता चलता है कि मैरी शो ने जो आखिरी पपेट बनाया था वह हूबहू इंसान की तरह था और वह पपेट और कोई नहीं बल्कि जिमी की स्टेप मॉम थी। और अगले ही पल जिमी की स्टेप मॉम अपने असली रूप में आकर जिमी पर हमला कर देती है जिससे जिमी डर जाता है और तेज की चिल्ला देता है और वहीं पर मैरी शो की आत्मा उसकी जीभ काट कर उसे मार देती है। और अब उन सभी लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन लोगों को मैरी शो ने मार कर पुतला बना दिया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगली मूवी आप लोग किस पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।